स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। और आइए आपको बताते हैं, टीम इंडिया की शानदार जीत के बाद पीएम मोदी ने टीम इंडिया को फोन करके जीत की बधाई दी है। रोहित शर्मा को उनकी शानदार कप्तानी के लिए पीएम मोदी ने बधाई दी है। साथ ही आपको बताएं कि पीएम मोदी ने फाइनल में विराट कोहली को उनकी पारी और क्रिकेट टीम में योगदान के लिए सराहा है। पीएम मोदी ने 6 खिलाड़ियों को फोन किया है। पीएम मोदी ने हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव को भी फोन किया है और उनकी जमकर तारीफ की है। साथ ही पीएम मोदी ने भारतीय क्रिकेट में योगदान के लिए राहुल द्रविड़ का भी धन्यवाद अदा किया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत के तुरंत बाद एक वीडियो शेयर करके टीम इंडिया और देशवासियों को बधाई दी और अब 6 खिलाड़ियों को फोन करके जीत की बधाई दी है पीएम मोदी ने। टीम इंडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए शुभकामनाएं दी थी जब ये टूर्नामेंट शुरू हुआ था और अब जीत की बधाई दी है। खासतौर पर उन 6 खिलाड़ियों को जीत की बधाई दी गई है जिनकी मेहनत, जिनकी लगन और डट के गिरते हुए मैच को उठाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 खिलाड़ियों को सराहते हुए उनको फोन किया है। पूरी टीम इंडिया को उन्होंने बधाई दी लेकिन 6 खिलाड़ियों को फोन करके उन्होंने बधाई दी है। शानदार जीत के लिए खिलाड़ियों को बधाई दी है पीएम मोदी ने। टीम इंडिया को इस भव्य विजय के लिए सभी देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आज 140 करोड़ देशवासी आपके इस शानदार प्रदर्शन के लिए गर्व अनुभव कर रहे हैं। खेल के मैदान में आपने वर्ल्ड कप जीता लेकिन हिंदुस्तान के हर गांव, गली, मोहल्ले में आपने कोटि कोटि देशवासियों का दिल जीत लिया। और ये टूर्नामेंट एक विशेष कारण से भी याद रखी जाएगी। इतने सारे देश, इतनी सारी टीमें और एक भी मैच हारना नहीं, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आपने क्रिकेट जगत के हर महारथी, उनके हर बॉल को खेला और आपने शानदार विजय प्राप्त करते रहे हैं।